मोस्ट पॉपुलर वेब सीरीज मिर्जापुर में मुन्ना भाई का किरदार निभाकर लोगों के दिलों में खास जगह बनाने वाले दिव्येंदु शर्मा भारतीय फिल्म एक्टर हैं। दिव्येंदु शर्मा ने कई बॉलीवुड फिल्मों और वेब सीरीज में काम किया है। हालांकि उन्हें सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी वेब सीरीज मिर्जापुर में मुन्ना त्रिपाठी के किरदार से मिली। मुन्ना त्रिपाठी के किरदार से दिव्येंदु शर्मा की लोकप्रियता पूरे इंडिया में फैल गई। आइए मुन्ना का रोल निभाकर लोगों के दिलों में खास जगह बनाने वाले एक्टर दिव्येंदु शर्मा की लाइफ स्टोरी, उनके स्ट्रगल्स के बारे में कुछ दिलचस्प बातें जानते हैं। दिव्येंदु शर्मा का जन्म 6 जून 1983 को दिल्ली में हुआ था। दिव्येंदु का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनके फादर होटल जनपथ में एक एम्प्लॉय थे। दिव्येंदु के एज एंड हाइट की बात करें तो दिव्येंदु की एज साल 2022 में 39 इयर्स है और हाइट 5 फीट 4 इंचेस है। दिव्येंदु शर्मा ने किरोडिमल कॉलेज दिल्ली से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया है। दिव्येंदु कॉलेज में एक अच्छे स्टूडेंट थे। कॉलेज के बाद उन्होंने 2 साल का एक्टिंग कोर्स भी किया। फिल्मों में आने से पहले दिव्येंदु ने 3 साल तक थिएटर में काम किया है। दिव्येंदु शर्मा के करियर की बात करें तो दिव्येंदु शर्मा अपने फिल्मी करियर की शुरुआत माधुरी दीक्षित की फिल्म से की थी, जिसमें उन्होंने एक बहुत ही छोटा सा साइड रोल निभाया था। फिल्म का नाम आजा नचले था। उसके बाद फिर उनकी पहली फिल्म प्यार का पंचनामा था, जिसमें उनके एक्टिंग को दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया था। यहाँ बता दें कि उन्होंने फिल्म आजा नचले में लिक्विड की एक छोटी सी भूमिका निभाई थी, जिसके लिए उन्हें मोस्ट प्रॉमिसिंग न्यूकमर स्क्रीन अवार्ड भी मिला था। उसके बाद उन्होंने चश्मे बंदूक, टॉयलेट एक प्रेम कथा, बत्ती गुल मीटर चालू जैसी फिल्मों में एक्टिंग किया, जिसे दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया था। दिव्येंदु को असली पॉपुलैरिटी तब मिली जब साल 2018 में आई उनकी वेब सीरीज मिर्जापुर में उन्होंने मुन्ना त्रिपाठी का किरदार निभाया था, जिसके बाद तो पूरे इंडिया में मानो उनकी ही चर्चा हो रही थी। दिव्येंदु शर्मा के रिलेशनशिप और मैरिटल स्टेटस की बात की जाए तो दिव्येंदु शर्मा ने अपनी कॉलेज की गर्लफ्रेंड आकांक्षा शर्मा से शादी की है। ये दोनों एक दूसरे को काफी लंबे टाइम से डेट कर रहे थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।